आज करनाल पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर पहुंचे। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर द्वारा जरूरतमंदों और गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था करना एक सराहनीय कदम बताया है। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने कहा है कि सावधानियों से ही कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में विजय संभव है। उन्होंने कहा कि करनाल की जनता और सामाजिक संस्थाएं तथा धार्मिक संस्थान जिस तरह से आज संकट के समय में जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। मजबूर तथा सीमित साधनों वाले लोगों के लिए सेवा करना पुण्य की श्रेणी में आता है। लॉकडाउन की अवधि में घर रहना तभी संभव हो सकता है जब पेट भरने की व्यवस्था हो, इसलिए संस्था द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है वह सराहनीय है। आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस मंदिर द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है जो कि जरूरतमंद हैं और लॉकडाउन के चलते उनके पास खाने के पैसे भी नहीं हैं। इस संदर्भ में आज आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर द्वारा करीब 4500 लोगों को खाना प्रदान किया गया। करुण मूर्ति उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज का कहना है कि विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति के कष्ट को दूर करना उत्तम पुरुषों की संपत्ति का फल होता है। सहयोग करने वाला ही अमर पद को प्राप्त करता है। प्रसाद वितरण के इस मौके पर करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया, निगम उपायुक्त धीरज कुमार, पीएमओ पीयूष शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने अन्नदान मुहिम से जुड़े सभी सहयोगियों की प्रशंसा की और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर पीएमओ पीयूष शर्मा ने मंदिर प्रबंधन के इन कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और इस महामारी से बचाव के लिए जानकारियां भी दी। निगम उपायुक्त धीरज कुमार ने भी मंदिर द्वारा घर घर प्रसाद पहुंचाने को प्रेरणादायी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि सभी घरों में रहकर इस महामारी को हराने में अपना अपना योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय और मान के योग श्री पीयूष महाराज जी, धीरज कुमार जी, मीना चौहान जी, पीएमओ साहब, इस पावन कार्य में जितने भी सहयोगी आज यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी सेवक इस प्रांगण में जो इस पावन कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं करनाल पुलिस की ओर से और पर्सनली अपनी तरफ से उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत साथ में धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि करनाल की जो खास बात देखने में आई कि एक बात की तो गारंटी मैं दे सकता हूं कि कोई भी यहां भूखा नहीं सो रहा। उसका जो मुख्य कारण है वो महाराज जी जैसे इनके सहयोगी इन सभी की कृपा है कि जितने भी मजबूर हैं बेचारे जो आज के समय लॉकडाउन की वजह से जिनको खाने की समस्या थी, जिनको जिनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड था, उन सबको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा कोऑपरेशन इस लॉकडाउन में वो दे रहे हैं और ये इसीलिए संभव है कि घर तक उनके पास खाना पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन की एक ही वैक्सीन है, वो है घर में रहना। लेकिन व्यक्ति घर में तभी रहेगा जब उसका पेट भरा होगा। खाली पेट कोई भी घर में नहीं रह सकता। तो एक तरह से जो भोजन वहाँ तक पहुँच रहा है और बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही प्रेम की भावना से बना ये खाना, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो है ही, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसके जो सबसे अच्छा न्यूट्रिशन है वो जो प्रेम की भावना है, जो अच्छी नीयत है इसके पीछे और जो सेवा का भाव है, वो इसे इस खाने को एक प्रसाद के रूप में सभी व्यक्ति ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप प्रशासन का इतना साथ दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की अपनी लिमिटेशन है। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन तक खाना पहुंचाना शायद प्रशासन के लिए संभव नहीं है। तो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं खासकर करनाल में जो इन तक भोजन पहुंचाने का जो पुण्य का काम करती हैं, मैं पुनः उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्रांगण में मुझे आज आने का, सबसे पहले तो मैं आत्मा पीयूष मुनि जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में जब लोग परेशान हैं तो ऐसे समय में उन्होंने भोजन वितरण का कार्य उन्होंने
लगातार जारी रखा हुआ है। इससे पहले भी हम जब भी किसी भी संस्था की तरफ से अपेक्षा रखते हैं तो हमारी अपेक्षा चाहे वो अस्पताल में हो चाहे वो उनके अस्पताल में खाने के लिए हो हमेशा पूरी होती है। अब इस कठिन समय में सबसे ज़रूरी भोजन का जो काम है वो तो सारी नागरिक संस्थाओं के सहयोग से हो ही रहा है। अस्पताल भी हमारा अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है और सभी मरीजों का घर घर जाके चेकअप किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं लोगों से ये भी डिमांड का रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो सबसे ज़रूरी जो सबसे बड़ी दवा है इस बीमारी से बचने की वो सोशल डिस्टेंसिंग है। 3 फुट का कम से कम दूरी आपस में बनाए रखें। दूसरा जो हमारा सफाई साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। बार बार हाथ धोएं किसी भी साबुन से, ज़रूरी नहीं कि वो सैनिटाइज़र ही हो, किसी भी आम साबुन से हाथ धोया जा सकता है। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। अनावश्यक किसी की यात्रा ना करें, किसी के घर ना जाएं, ना किसी को अपने घर बुलाएं। किसी भी वस्तु को, अनजान वस्तु को या अनजान सरफेस को वो छूने से बचें। यही हमारा एक जो 3-4 मेन मंत्र हैं। और एक दूसरा जो जैसे मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिखाया, मुंह ढकने के लिए कोई भी कपड़े का, जरूरी नहीं कि मास्क हो, किसी भी कपड़े का हम प्रयोग मुंह से ढकने के लिए कर सकते हैं। और वो हमेशा जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मुंह ढक जरूर ढक के बाहर निकलें। इन 4-5 बातों का ध्यान रखेंगे हम तो हम इस बीमारी से ज़रूर लड़ेंगे और इस लड़कर हमारे सभी लोगों के सहयोग से विजय भी जरूर प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय पूजनीय पीयूष महाराज जी, माता जी और हमारे SP साहब, डॉक्टर साहब हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से धीरज जी हैं, सभी का मैं वंदन स्वागत करती हूं। और चंद शब्दों में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश को डायरेक्शन दे रहे हैं उसी हिसाब से हमारे योद्धा जो डॉक्टर्स हैं और पुलिस कर्मचारी हैं और हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं, वाकई ये बहुत ही, इनके शब्द नहीं कह सकते हैं कि आज की इस महामारी में किस तरह से वो सहयोग कर रहे हैं और आम जनता को बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और इन सब नियमों का पालन करते हुए सभी का साथ दें, प्रशासन का साथ दें। सरकार की तरफ से मैं ये तीनों चारों डिपार्टमेंट को सैल्यूट करती हूँ और आभार और साधुवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।